हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिविक्स के क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 व्हाई डेमोक्रेसी व्हाट इज डेमोक्रेसी चैप्टर को समझेंगे भी और साथ साथ में नोट्स भी बनाएंगे। तो चलिए झटपट से अपनी कॉपी और पेंसिल ले लीजिए हाथों में। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. Second topic is four cornerstones of democracy. कौन कौन से cornerstones होते हैं? The rulers, election, the people और form of government. Next topic is important features of democracy. कौन कौन से features हैं? चार फीचर्स हैं। पहला है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशंस, थर्ड इज वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, फोर्थ इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो अब हम समझेंगे एक एक करके कि ये फीचर्स हैं क्या। तो चलिए पहले वाले से शुरुआत करते हैं। पहला है मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजंस मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब सेकंड की बारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। थर्ड, वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। चौथा है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट्स। हमारा अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। पहला है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, यानी जो जनता रूलर इलेक्ट करेगी वही सारे डिसीजंस लेगी। सेकंड, इलेक्शंस ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इलेक्शंस जनता को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देती है, एक अवसर देती है कि वो अपनी गवर्नमेंट को, अपनी रूलर्स को चेंज कर सके अगर वो उन्हें पसंद नहीं कर पा रहे। तीसरा है दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, और ये अपॉर्चुनिटी हर एक को अवेलेबल है और इक्वल बेसिस पे। फोर्थ, The exercise of this choice leads to a government limited by basic rules of constitution and citizens' rights. पांचवा है, everybody has right to vote irrespective of their color, caste, gender, etc. अब अगला टॉपिक है arguments against democracy. पहला है leaders keep changing in a democracy which leads to instability. यानी एक डेमोक्रेसी में लीडर्स बदलते रहते हैं जिस कारण इंस्टेबिलिटी होती है। दूसरा है डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज नो स्कोप फॉर मोर्टैलिटी। थर्ड इज सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लेड टू डिलेज। चौथा है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल विच लीड्स टू बैड डिसीजंस। इसका मतलब है जो लीडर्स लोग इलेक्ट करते हैं उनको अपने जनता के इंटरेस्ट पता ही नहीं, उनकी जो जरूरतें हैं उनको क्या चाहिए वो पता नहीं, जिस कारण वो गलत डिसीजन ले बैठते हैं। पांचवा है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। छठा है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। मतलब जो नॉर्मल से लोग होते हैं उन्हें कुछ नहीं पता होता कि उनके लिए क्या अच्छा है और उनको कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए।
दोस्तों, अब हम कुछ ऐसी कंट्रीज के एग्जाम्पल लेंगे जो दिखाती तो है कि उनमें डेमोक्रेसी है, पर रियल में डेमोक्रेसी वहां पर नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है पाकिस्तान। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड टू अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999 एंड ओवरथ्रो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। In 2002, he held a referendum in the country which was based on malpractices and fraud granted him a 5-year extension. After passing law, legal framework order which gave the president to dismiss the national and provincial assemblies. Elections were held to the national and provincial assemblies. In this case, Pakistan had elections, elected representatives have some powers, but the final power rests with the military officers and General Musharraf himself. So this should not be a democracy. Now let's have the example of China. In China, elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament called National People Congress. Before contesting elections, a candidate needs the approval of the Chinese Communist Party. The government is always formed by the Communist Party. Next example is for Mexico. आप सभी ने अभी तक दो countries के बारे में पढ़ लिया है, China और Pakistan, जिसमें बिल्कुल भी democracy नहीं है। अब हम मेक्सिको के बारे में भी पढ़ेंगे। मेक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट, बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वॉन बाय पार्टी कॉल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शन बट नेवर मैनेज टू विन एज PRI वॉज known to use many dirty tricks to win elections. दोस्तों, जो PRI थी वो एक पार्टी थी जो कि बहुत डर्टी ट्रिक्स यूज करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए, और अभी हम वो ट्रिक्स को पढ़ेंगे। लीजिए तो देखिए, ये थी वो डर्टी ट्रिक्स जो PRI यूज करती थी। चलो पढ़ते हैं इन्हें। All those who were employed in government offices had to attend party meetings. Teachers of government schools used to force parents to vote for PRI. Media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them. Sometimes the polling booths were shifted from one place to another in the last minute, which made it difficult for the people to cast voters. The PRI spent a large sum of money in the campaign for its candidates. At last, so this should not be called a democracy. Next example is of Zimbabwe. Since independence, Zimbabwe was ruled by ZANU-PF. Its leader was Robert Mugabe, who has been ruling the country. Mugabe was popular but used unfair practices in elections, like his government changed the constitution several times to increase the power of the president and make him less accountable. Opposition party workers were harassed and their meetings were disrupted. Public protest and demonstration against the government were declared illegal. Television and radio were controlled by the government and gave only the ruling party's version. So the conclusion from the example of Zimbabwe is that if we wish to assess a democracy, it is important to look at the elections. But it is equally important to look before and after the elections. There should be sufficient room for normal political activity, including political opposition. Next topic is arguments for democracy. A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government.
Democracy improves the quality of decision making. Democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Democracy enhances the dignity of citizens. Democracy is better than other forms of government because it allows us to correct its own mistake. Next topic is the most common form that democracy takes in our time is that of a representative democracy. Modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Even if they could, the citizen does not have the time, the desire, or the skills to take part in all the decisions. So, friends, this was all about our chapter. I hope that you have understood the chapter and you have made the notes. Thank you. Bye-bye.